नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। पलामू से दीपक कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिला के रेहला थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रेहला थाना प्रभारी संतोष कुमार दास पर एक महिला से पैसे लेने और धमकी देने का आरोप लगा है। वहीं मेदिनीनगर के टाउन थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार एक को रेहला का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। दरअसल रेहला थाना क्षेत्र की एक महिला का जमीन एम्पायर पारिवारिक विवाद था। इस विवाद में महिला लगातार रेहला थाना का चक्कर लगा रही थी और थाना प्रभारी से व्हाट्सएप कॉल पर बात कर रही थी। थाना प्रभारी द्वारा महिला से 50,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसका महिला ने व्हाट्सएप कॉल का स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था और वरीय पुलिस अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी। थाना प्रभारी पर आरोप है कि महिला से उन्होंने कुछ रुपए भी लिए हैं। महिला ने मामले की शिकायत पलामू SP से भी की थी। व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत का वीडियो भी वायरल हो गया था। रेला थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। उन पर महिला से पैसे लेने के आरोप लगे हैं। रिश्मा रमेशन SP पलामू। इस मामले में पलामू SP रिश्मा रमेशन ने कार्यवाही करते हुए रेला थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। रेला थाना प्रभारी संतोष कुमार दास 2018 बैच के थे और लोकसभा चुनाव से पहले रेला में उनकी तैनाती हुई थी। रेला थाना महत्वपूर्ण माना जाता है। ये गढ़वा और पलामू जिला के सीमा पर मौजूद है। रेला थाना नेशनल हाईवे NH 75 के बगल में मौजूद है और रेलवे के साथ साथ नेशनल हाईवे के बीच सुरक्षा का कमान भी है। धन्यवाद।